उदाहरण एक, यदि 8 ओम प्रतिरोध वाले किसी तार को पिघलाकर एक ऐसा तार बनाया जाए जिसका क्षेत्रफल पहले से दुगुना हो, तो इस नए तार का प्रतिरोध कितना होगा? हल, दिया गया है तार का प्रतिरोध R बराबर 8 ओम, और हम जानते हैं कि प्रतिरोध बराबर होता है प्रतिरोधकता गुणित तार की लंबाई बटे तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। यानी कि प्रतिरोध को हम लेते हैं R से, प्रतिरोधकता ओ रो गुणित तार की लंबाई यदि हम L से बताएं और तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A ले, तो R बराबर रो गुणित L बाई A। इसे हम समीकरण एक मान लेते हैं। अब प्रश्नानुसार एक नवीन स्थिति पर बात कही गई है कि यदि तार को पिघलाकर एक ऐसा तार बनाया जाए कि उसके अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है दुगुना हो जाए, यानी कि A से उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा अनुप्रस्थ काट का 2A। चलिए आगे देखते हैं। अब इस नवीन स्थिति में हमें प्रतिरोध ज्ञात करना है। दुगने अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल की स्थिति में हमें प्रतिरोध ज्ञात करना है। यदि नवीन स्थिति के लिए प्रतिरोध को हम R डैश से दिखाएं, R डैश हो, तब नवीन स्थिति के लिए प्रतिरोध को R डैश ले लें, तब R डैश बराबर होगा प्रतिरोधकता यानी कि रो, वो समान होगा क्योंकि तार सेम है, गुणित यदि हम नवीन स्थिति में तार की लंबाई को L1 से दिखाएं और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्योंकि दुगुना है इसलिए हम लेंगे इसे 2A। L लंबाई के तार को पिघलाकर एक ऐसा तार बनाया गया है जिसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दुगुना है, तो अब नवीन स्थिति में तार की लंबाई में जो परिवर्तन हुआ है उसको देखने के लिए हम देखते हैं कि जो तार का आयतन है वो तो समान होगा क्योंकि तार समान है, उसी को पिघलाकर नवीन तार बनाया गया है। तो तार का आयतन जो है वो पूर्व स्थिति में कितना था? पूर्व स्थिति में जो आयतन V बराबर क्या होगा? पूर्व स्थिति में तार की लंबाई गुणित अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अब यदि हम इसे नवीन स्थिति में देखें आयतन तो वही रहेगा, V बराबर नवीन स्थिति में तार की लंबाई को हम शो कर रहे हैं L1 से गुणित अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दुगुना हो चुका है, तो हम इसे लेंगे 2A। चूंकि दोनों ही स्थिति में आयतन समान है इसलिए हम लिख सकते हैं L1 गुणित 2A बराबर L गुणित A। इसे हल करने पर हमें मिलेगा L1 बराबर L बटे 2, यानी कि जो नवीन लंबाई होगी तार की वो पूर्व लंबाई की आधी हो जाएगी। अब इसका मान हम इस समीकरण में रख सकते हैं
तो चलिए आगे देखते हैं। नवीन स्थिति में प्रतिरोध यानी कि R डैश बराबर रो गुणित L1 का मान हमें मिला है L बाई टू और पूरे के बटे में अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दुगुना है इसलिए 2A। इसे और हल करें तो हमें मिलेगा L बाई दो गुणित A। इसे आगे हल करने पर हमें मिलेगा 1 बटे 4 गुणित रो गुणित L बाई A। हम देख सकते हैं समीकरण एक से रो गुणित L बटे A क्या है, R का मान है, यानी कि इसे लिखा जा सकता है 1 बटे 4 गुणित R। तो नवीन प्रतिरोध जो हुआ वो पूर्व स्थिति में प्रतिरोध का 1/4 है और हमारे पास प्रतिरोध जो है वो दिया गया है कि R बराबर 8 ओम। तो हम ये भी मान यहाँ पर रख दें तो R डैश कितना हो जाएगा 1 बटे 4 गुणित 8, यानी कि 8 बटे 4 हमें कितना मिला, R डैश का मान हो गया 2 ओम। यानी कि नवीन परिस्थिति में तार का जो प्रतिरोध है वो कितना मिलेगा, 2 ओम।